2020 में किसी कारण से। अब 4 साल बाद ऐसा कांड हो जाए आपके साथ तो कोई भी बंदा है वो घबरा जाए। मेरे नाम से वारंट आया हुआ है। इसके बाद सीधा जो बॉम्ब गिरता है। दोस्तों मान लीजिए कोई गाड़ी मालिक है जो अपनी गाड़ी की किस्तें नहीं भर पा रहा और वो गाड़ी को सरेंडर कर देता है, और इस बात को सरेंडर किए हुए 4 साल बीत जाते हैं, और उसके बाद 4 साल बाद उसको एक लोकल DTORT ऑफिस एक नोटिस आ जाता है कि आपने 4 साल से गाड़ी का नोटिस नहीं भरा, और ये नोटिस कोई 5,000-10,000 का नहीं बल्कि लाखों का है। जी हाँ, इस सूरत में जो गाड़ी मालिक है वो क्या कर सकता है और कहां पर उससे हुई चूक, इसके ऊपर बात करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। हाल ही में ये केस सामने आया है तो जरूर देखिएगा आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। मैं आपका सारथी भाई चांदवीर सिंह हरिद्वार उत्तराखंड से, और सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल पर ही करवाए। एक विश्वास पात्र स्थान है जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9831 9831। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों प्रवीण कुमार है, बिहार के रहने वाले, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है और गांव है चिल्खी। इनकी गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और श्रीराम फाइनेंस से इन्होंने गाड़ी को ये फाइनेंस करवाया था। 2017 में इन्होंने ये गाड़ी ली थी, अशोक लेलैंड BS4 14 चक्का ये गाड़ी है, फोटो नहीं है गाड़ी की अवेलेबल। तो उसके बाद कुछ देर तो इन्होंने गाड़ी चलाई 17 से 19 तक, लेकिन बीच में ये कोविड से पहले की बात है, तो तभी कोविड से थोड़ा पहले भी अगर आपको याद हो तो मंदी का दौर ही था थोड़ा, और कोविड ने आगे बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया था। तो उससे पहले ही इनको किस्तें भरने में दिक्कत आने लगी, तो इनको ये लगा कि यार कल को कोई आके मेरी गाड़ी पकड़े, इससे पहले यही है कि मैं इस गाड़ी को दफ़ा करूं, वापस कर दूं फाइनेंसर को, और मैं अपना छुटकारा पाऊं इससे। तो इन्होंने कंपनी को फ़ोन करा, कॉन्टैक्ट किया और बताया कि भाई मैं गाड़ी सरेंडर करना चाहता हूं। तो 19 अक्टूबर 2019, पूरे 4 साल हो गए हैं, थोड़े से दिन ऊपर ही हो गए। विकास सिंह हैं जो मैनेजर थे उस समय श्रीराम फाइनेंस के, उन्होंने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरी जो एक होती है प्रोसीजर उस समय, कि ये इन्वेंट्री लिखी जाती है कि गाड़ी ली है और गाड़ी की कंडीशन कैसी है, गाड़ी में क्या क्या है, ये पूरा एक पर्चा होता है, और ये पूरा लिख कर वो लेके गए, इनको कॉपी दे के गए। तो गाड़ी का मतलब उन्होंने पोजेशन ले लिया, और इनको लगा कि ठीक है, और इन्होंने उस टाइम स्ट्रेस भी करा कि भाई गाड़ी जो है वो अपने नाम पर आप करवा लो, अपने नाम पर कराओ या किसी और के नाम पर कराओ, लेकिन मेरा नाम इस पे नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। इस बीच वो खुद इनकी ब्रांच में गए, लिखित में भी एप्लीकेशन देने की कोशिश करी, लेकिन जो भी ये कंसर्न्ड ऑफिसर था उसने कहा कि ज़रूरत ही नहीं है, जब हम आपको बोल रहे हैं तो गाड़ी जो है वो हम ट्रांसफ़र करवा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद इन्होंने कोई उनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ जब तक कि मेरी जानकारी है। तो उसके बाद ये निश्चिंत हो गए अपना ज़िंदगी में, और काम धंधा जो भी था वो करने लगे। इसके बाद सीधा जो बॉम्ब गिरता है वो 30 सितंबर 2023, 4 साल बाद DTO औरंगाबाद बिहार का एक नोटिस इनको आ जाता है। नोटिस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन मोटा मोटा इसके अंदर ये है कि 84,887 रुपये जो बकाया है टैक्स का, और 1,55,319 रुपये उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह लग गई, कुल मिलाकर 2,40,206 रुपये बन गए हैं, वो इनको जमा करने पड़ेंगे इमीडिएटली। तो दोस्तों नोटिस आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला परिवहन पदाधिकारी औरंगाबाद जिला परिवहन शाखा नोटिस, ये प्रवीण कुमार जी के नाम पर आया हुआ है, सन ऑफ रघुवीर पांडे। एतद द्वारा इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि महालेखाकार अंकेक्षण दल पटना द्वारा MV एक्ट के अंतर्गत समुचित टैक्स अर्थात समय पर प्रति तिमाही टैक्स की राशि जमा नहीं करने के कारण पेनल्टी सहित आपके वाहन पर आपत्ति लगाते हुए निम्न राशि वसूलने का निर्देश है, जिसकी विवरण निम्नवत है। वाहन निबंधन संख्या, गाड़ी का नंबर दिया हुआ है, और राशि जो मैंने आपको बताई थी, कुल मिलाकर 2,40,206 रुपये। अत्यय नोटिस प्राप्ति के साथ ही एक पक्ष के अंदर उक्त राशि परिवहन कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर कर बकाया राशि की वसूली की जाएगी, इसे अत्य आवश्यक समझें, जिला परिवहन अधिकारी औरंगाबाद। तो नीलामी तक की चेतावनी इस नोटिस में दे दी गई है। अब ये सुनकर 4 साल हो गए, बंदा शॉक में आ ही जाता है। अब 4 साल बाद ऐसा कांड हो जाए आपके साथ तो कोई भी बंदा है वो घबरा जाएगा, और इस तरीके का नोटिस लिखा हो, जिस तरीके की इसमें लैंग्वेज लिखी है, तो निश्चित तौर पर सरकारी नोटिस है। तो इसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो लोकल DTO ऑफिस है जहाँ से ये नोटिस आया, उनको जाकर पूरी बात बताई,
उन्होंने खैर इनकी बात सुनी और कहा कि जितने भी आपके पास सबूत हैं, कागजात वगैरह हैं, वो आप लिखकर हमें एक नोट वो दे दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए। दे दी गई है वो एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक कुछ सिर पैर हुआ नहीं है। उन्होंने जो रिकवरी का नोटिस है वो वापस हुआ है नहीं हुआ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी, लेकिन एक टेंशन जो है वो खड़ी हो गई है गाड़ी मालिक के सर पर। मैं अपने गाड़ी 2017 में श्रीराम फाइनेंस से फाइनेंस करवाया था, जिसको मैं किस्ती देते जा रहे थे। 2020 में किसी कारण से मैं अपने गाड़ी का किस्ती नहीं दे सकता था, तो श्रीराम फाइनेंस कंपनी बोला कि आप अपने गाड़ी को जमा दे दीजिए और हम 2020 में अपने गाड़ी को जमा दे दिए। इसके बाद वो ट्रांसफ़र नहीं करवाया, बार बार कहने पर भी ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा है, और हमारे नाम से DTO ऑफिस औरंगाबाद से 2.5 लाख रुपया का टैक्स गिरा हुआ है, जो मेरे नाम से वारंट आया हुआ है, जो बार बार फाइनेंस को कहते रह गए कि आप ट्रांसफ़र करवा लीजिए, लेकिन वो 2020 से ही अपना गाड़ी नहीं ट्रांसफ़र करवा रहा है। जिसके चलते मैं DTO ऑफिस में भी एप्लीकेशन दिया, श्रीराम फाइनेंस का भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जो गाड़ी मालिक ने अपने सोर्सेज से पता करी, वो भी मैं आपको बताऊँगा, और जो हमने पता करी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो गाड़ी मालिक ने पता करा वो ये है कि ये गाड़ी जब श्रीराम फाइनेंस ने रिकवर कर ली, उसके बाद इन्होंने गाड़ी किसी को बेच दी। अब उसने गाड़ी जब खरीदी, कुछ दिनों बाद ही उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा भी इस गाड़ी को चला नहीं पाया, इस वजह से उस बंदे ने अपने नाम गाड़ी ट्रांसफ़र भी नहीं कराई। इसीलिए अब तक ये गाड़ी इनके नाम पर खड़ी है, लेकिन जो DTO दफ्तर के रिकॉर्ड के मुताबिक पूरा जो टैक्स है वो इनके नाम पर चल रहा है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने भी श्रीराम फाइनेंस जो कंपनी है उनसे बात करने की कोशिश की, जो पहले मैनेजर था जिसने सब ये कुछ करा, जो तब था मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबल था इस काम के लिए, वो अब नहीं है, वहाँ से जा चुका है, नए वाले ने अभी बात नहीं करी। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको ना दो वीडियो जो पुराने ट्रांसपोर्ट टीवी के हैं, यहाँ पर हम लिंक में भी दे रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट भी उसका दिखा रहे हैं, आप ज़रूर इस वीडियो के बाद उनको भी दोबारा देखें, क्योंकि काफ़ी देर पहले वो वीडियो डाले गए थे। पहला वीडियो है गाड़ी सरेंडर करने का फैसला सही या गलत, वीडियो नंबर 1739। इसके अंदर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं उस समय कि कभी भी आपको लगे कि मुझे जो है अपनी गाड़ी की किस्तें मैं नहीं भर पा रहा हूं, तो उस केस में हमारी राय है, ये कोई कानूनी राय नहीं बता रहे, हम पर्सनल अपने तजर्बे से बता रहे हैं कि आप उस गाड़ी को सरेंडर मत करें, बेटर है कि आप उस गाड़ी को बेचेंगे तो बेटर रेट ले पाएंगे। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ढंग से कि कितने में वो गाड़ी बिकी, और आपको भी कुछ उसका बकाया मिलेगा नहीं मिलेगा। आप खुद ही उस गाड़ी को बेचें और जो है उनका लोन जो है वो चुकता करें फाइनेंस कंपनी का, ये एक सबसे बढ़िया रूट रहता है। तो पहली गलती तो शायद यही हुई कि इन्होंने सरेंडर कर दिया। दूसरा वीडियो ये है, वीडियो नंबर 503, कबाड़ कर दिया वाहन, मिला टैक्स से छुटकारा। अब इस वीडियो में हमने यही बात डिस्कस करी थी, उस केस में हुआ क्या था कि बंदे ने कबाड़ कर दी और शांति से बैठ गया, और उसका जो मीटर था टैक्स का वो तो चलता रहा, वो तो बंद नहीं हुआ। तो वो चलिए एक अलग केस था, उसमें हमने बताया था कि सिर्फ कबाड़ करने से कुछ नहीं होगा, उसको बकायदा DTO ऑफिस में जाके उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करानी पड़ेगी, तब आपका टैक्स का मीटर हटेगा। लेकिन यहाँ पर तो गाड़ी कबाड़ नहीं हुई है, तो यहाँ पर इस केस के इस वीडियो के अंदर हमने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो डिस्कस करी थी, जो हम इस वीडियो के नीचे लिंक दे रहे हैं। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जब गाड़ी का पोजीशन ले लिया फाइनेंस कंपनी ने, तो उस दिन के बाद जो है फाइनेंस कंपनी जिम्मेवार है टैक्स भरने के लिए, ना के पुराना गाड़ी मालिक। तो ये सीधा सीधा जो है उस सुप्रीम, अगर ये DTO ऑफिस में केस सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी होता या अगर जो एप्लीकेशन भी देनी है DTO ऑफिस को, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी भी साथ में लगा दें तो आपका केस थोड़ा सॉलिड हो जाता है। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और ये ऐसा एक नोटिस जो है आप श्रीराम फाइनेंस कंपनी को भी निकाल दीजिए, हो सके तो लीगल नोटिस निकाल दीजिए उनके नाम से कि ये भी क्या करा है। ठीक है, बैठने का कोई इनको फ़ोन करने का फ़ायदा नहीं है, आप इनको एक लीगल नोटिस निकाल के रखिए, और DTO ऑफिस में भी लगातार इसको चेक करें और कोशिश करें कि उनसे लिखित में लें कि जो नोटिस उनको आपको रिकवरी के लिए जारी हुआ है उसको उन्होंने खारिज कर दिया है या वापस ले लिया है। वो नोटिस असल में श्रीराम फाइनेंस को जाना चाहिए DTO दफ्तर की तरफ से।
तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब भी आप अपनी गाड़ी को कबाड़ करें या उसको सरेंडर करें तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि टैक्स लायबिलिटी का आगे क्या होगा, इस पर ज़रूर क्लैरिटी लें। जैसे वो शुरू में फॉलोअप कर रहे थे श्री राम फाइनेंस से, एक महीने बाद दो महीने बाद छोड़ दिया फॉलोअप करना, वो करते रहना चाहिए था जब तक गाड़ी इनके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। खैर कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, ये अपना जो है काम अपने इसको ठीक कर सकते हैं सिचुएशन को। और ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी ग्रुप, ये मेरी गाड़ी बनी है, नई गाड़ी है, KMRC का बोर्ड है। हमारी सब गाड़ियों में हम ये नंबर डलवाते हैं, ट्रांसपोर्ट टीवी का, ये हमारी गाड़ी नंबर है। अपने पास जितनी गाड़ी है सब में ट्रांसपोर्ट टीवी का लोगो हम लगवाते हैं। हमें बहुत हेल्प मिला है ट्रांसपोर्ट टीवी वालों, और हम सभी गाड़ी वाले से अनुरोध करते हैं कि अपनी गाड़ी में ट्रांसपोर्ट टीवी के बाद ये हेल्पलाइन नंबर जरूर डलवाएं।